साल के तो जितने भी थे सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट लगा ये। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं का कैलुए, जान पवन सिंह एंड अनुपमा यादव का ये गाना है, होली सॉन्ग है और पवन सिंह का ये पहला होली सॉन्ग आने वाला है इस साल का। और वो जो भी उठक पटक चल रही है उनके चुनाव की, कि वो लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, लड़ रहे नहीं लड़ रहे हैं, कि बीच में पहला होली सॉन्ग आ चुका है फाइनली। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, इंस्टाग्राम मेरा पूरा मैसेज से भरा पड़ा है, भैया थोड़ा सबर भी कर यार, किया करो यार, हमारा रमज़ान चल रहा है, तुम सुबह से मुझे मैसेज कर रहे हो भैया कर दो रिएक्शन कर दो कर दो, अभी तक नहीं किया, आप खेसारी लाल यादव का होता तो आप तुरंत कर देते, भैया टाइम लगता है, अभी हम फ्री हुए हैं, हम फ्री नहीं हो पाते। अगर आप टाइम बताऊँ मैं आपको तो आप देखिए अभी हमारी घड़ी में टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12 बजने वाले, 11:30 बज रहे हैं अभी, तो यार टाइम लग जाता है यार, थोड़ा सपोर्ट किया करो आप लोग भी। और गानों पे रिएक्शन देने में वैसे भी रिस्क है, अभी भी हम चेक करेंगे अगर हमारा ब्लॉक, क्योंकि हमारे एक्चुअली हमने चेक किया है पर्सनली लोग हमारे वीडियो को ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरों के वीडियो चल रहे हैं लेकिन हमारे वीडियो को पता नहीं क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, म्यूजिक कंपनियों को क्या आपको लगता है अपन थोड़ा क्रिटिसाइज कर देते शायद इसलिए? हाँ ये हो सकता है कि अपन सच बोल देते हैं कि यार ये गलत है वो सही है, यार हमारा सच बोलना भी हमारी प्रॉब्लम हो गई है, बताओ हम सच बोल रहे हैं तो भी म्यूजिक कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई फिर भी फेसबुक से कोई डिलीट नहीं कर पाता है, तो आप लोग प्लीज़ यार हमारे पेज को फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज को, जो फुल रिएक्शन होता है ना वो हम फेसबुक पर डाल ही देते हैं, अगर यहाँ से ब्लॉग भी हो जाएगा तो आप फुल रिएक्शन फेसबुक पर मिल जाएगा, और हम यहाँ पर रिव्यू पार्ट तो फिर भी कट करके म्यूज़िक कट करके डाल ही देंगे, तो यार फेसबुक पेज फॉलो करना मत भूलना, अगर ये वाला वीडियो भी ब्लॉक होता है या कोई इशू आता है क्लेम का तो हम इसका फुल वीडियो रिएक्शन फेसबुक पर डालेंगे और यहाँ पर रहेगा टोटल रिव्यू हमारा, तो एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हम रिव्यू पार्ट में। चलो शुरू करते हैं अभी, पवन सिंह ऑफिशियल्स पर ही आया है ये। अरे शादी भोजपुरी गाना और इस तरह से शुरू हुआ, गिटार गुड बुक से अलग पियानो से नाइस हो गया शुरू, याद आ गई भोजपुरी गाना है क्वीन शालिनी। क्या दर्द है यार इनकी आवाज में, कहाँ से सीख लो दिलवा तोड़े का तरीका, इका करी हो जान, क्या लाइन है यार, ये लाइन मुझे वाले सॉन्ग की याद करी है, कहाँ से सीखा है तुमने दिल, मनी मिराज का गाना जो भी कहो गाना बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सही और तगड़ा यार, मतलब यही तो चाहिए था भाई, सॉन्ग है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, होली का बिरहा फगवा फगवा सॉन्ग कह सकते हैं इसको ना, बिरहा सॉन्ग हो गया ये। मैं तो ये सोचा था कि होली का गाना है तो बोले ऐसे ही लड़कियों को दिखाएंगे और उनको कलर उड़ाएंगे और धमक धमक होगा, डुबुक डुबुक होगा, ये तो सोचा कि मस्ती होगी, और जिस तरह के इनके सॉन्ग पुराने भी आए हैं उसको देख के भी यही लगता है, लेकिन भैया पवन सिंह ने जो काम किया है ना ये अभी तक के सारे होली सॉन्ग में सबसे बेस्ट लगा, बेस्ट लगा मेरे को अभी तक इस साल के तो जितने भी थे सबसे बेस्ट लगा ये पवन सिंह का ये वाला होली सॉन्ग, एक्चुअली में सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इन्होंने कुछ अलग किया, सबसे जुदा कुछ काम किया, सब वही कर रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, चिपक चिपक के डांस करने वाले वीडियोस आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ये एक सब मतलब चेंज कर दिया कंटेंट का जोनर ही चेंज कर दिया इन्होंने, उस जोनर को थोड़ा सा चेंज करके कि भाई इसमें हंसी के साथ कहीं ना कहीं दुख भी दिखाया जा सकता है, सही तो उन्होंने दुख वाला फगवा सॉन्ग मतलब होली सॉन्ग सुनाया है और कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आई है। एक्टिंग की बात करूँ यहाँ पर थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई थी हीरोइन की भी, वो रो रही तो ऐसा लग रहा था कि रो नहीं रही है ना, वो जो मेरे को तो दो टिकटॉकर आते हैं ना वो रोते वो बन जाते, जोकर बन जाते हैं वो, ऐसा मुंह बना के रोते ना वो पानी लगा जोकर जोकर, अरे हाँ समझ गया तुम इसकी बात कर रहे तो वो ज्यादा हो गया था, बाकी पवन सिंह तो पवन सिंह है, उनका रहना ही एक उसके वीडियो के अंदर होना ही एक ऑरा बन जाता है पवन सिंह का, बाकी हाँ गाना इंटरेस्टिंग था, देखने में अच्छा लगा और सुनने में, यार यही बात हम काफी सालों से कर रहे हैं 3-4 साल से कि अगर गाने के अंदर म्यूजिक उतना ही बजाया जाए जितने उसकी ज़रूरत है तो लिरिक्स समझ में आएंगे सुनने वालों को, और जब लिरिक्स समझ में आएंगे तो वो उस गाने से जुड़ पाएंगे, अब इसके हमें लिरिक्स समझ में आए है ना तो हम उस गाने से जुड़ पाए, खास करके जो कहाँ से सिकल का आई हो, दिलवा तोड़े का तरीका, और जान इका किया जान जो भी था आगे, मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ लेकिन हाँ हमें समझ में आ गया जो भी था, व्हाटएवर जो भी था वो
हमें समझ में आ रहा था, सुनने में महसूस हो रहा था कि हाँ यार एक दर्द इस बंदे का, ये बंदा अपना दर्द बयां कर रहा है इस गाने के थ्रू। और एक्चुअल में सैड सॉन्ग नहीं था ये, एक्चुअल में होली का वाला सैड सॉन्ग था। सिर्फ होली, सिर्फ सैड सॉन्ग नहीं बोल सकते आप इसको, क्या रे तो सैड सॉन्ग लेके आ गए होली सॉन्ग बोल के। होली सॉन्ग में भी सैड सॉन्ग होते हैं ना भाई, बिरहा सॉन्ग होते हैं होली के टाइम पे, बिरहा सॉन्ग होंगे उस टाइप के, ये सॉन्ग हो गया है तो मानना पड़ेगा। इट इज अमेजिंग यार, मज़ा ही आ गया देख के कि इस तरह का सॉन्ग भी भोजपुरी में बना सकते हैं कोई, तो वो पवन सिंह है जिन्होंने काम करा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पवन सिंह एंड टीम, जो भी आप लोगों ने काम किया है। हमें पता है इस पर हमें क्लेम और कॉपीराइट का इशू आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर इसका रिव्यू अपलोड किया है। गाइस आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, इसका जो फुल रिएक्शन वाला सीन है ना वो आप हमारा फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। फेसबुक पर पेज है हमारा एम्ब्रोज इंडिया भोजपुरी, हमने स्पेशली आप भोजपुरी ऑडियंस के लिए वो पेज बनाया। एक और पेज था हमारा एम्ब्रोज इंडिया, लेकिन उसमें मिक्स कंटेंट था, तो हमने सिर्फ भोजपुरी ऑडियंस के लिए स्पेशल पेज बनाया। तो जितने भी हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे भोजपुरी पेज को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 200 फॉलोवर है यार, यहाँ पे 200,000 है और वहाँ सिर्फ 200। शर्म आनी चाहिए हमको और आपको कि हम एक फेसबुक पेज पे 200,000, छोड़ो 10,000 फॉलोवर नहीं कर पा रहे। जाइए और फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को, सबके फेसबुक आईडी है, हमें पता है कि सब फेसबुक चलाते हैं, फॉलो करने में क्या जा रहा है यार। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके फॉलो कीजिए और रिएक्शन भी देखिए पूरा। ठीक है, बाकी हमारा रिएक्शन और ही हमारा रिव्यू दोनों कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।